हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम LearnoHub, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट LearnoHub.com। देखो, अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल द ज्योमेट्रीज ऑफ NH3 अमोनिया एंड वाटर H2O मॉलिक्यूल्स आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, डिस्कस। तो दोनों के दोनों टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट क्यों हो जाते हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। और ये बताना है कि जो बॉन्ड एंगल वाटर का है वो कम क्यों होता है अमोनिया से। तो चलो देखते हैं, हम सबसे पहले लिख लेते हैं हम कौन सा NH3, और यहाँ पे देखते हैं हम किसका, वाटर का, H2O का, ठीक है। तो दोनों में सेंट्रल एटम कौन सा होगा तुम्हारा, सिंपल सी बात है, किससे बन रहा होगा, नाइट्रोजन से बन रहा होगा। नाइट्रोजन का ज़रा ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना क्या होगा। देखो ये क्या होगा, 2s2 2p2 3, क्या होगा, 2p3, यही होगा, ठीक है। ये होता 7, तो 1s2 2s2 2p3 होगा, है ना। अब यहाँ पे बात करना जरा ऑक्सीजन का, देखते हैं हम ऑक्सीजन का, देखते हैं अब हम, ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखो, इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4 होगा, 2p4 होगा। अगर मैं सिर्फ बात करूँ वैलेंसी की, तो ये तो वैलेंसी शैल है, ठीक है। ये भी क्या है तुम्हारी, वैलेंसी शैल है, ठीक है, सेकेंड वैलेंसी शैल है ना। देखो अब यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, अगर मैं ऐसे देखूँ 1 2, और ऑर्बिटल में यहाँ पे एक पेयर में है और ऐसे प्रेजेंट है, ठीक। यहाँ पे देखो कैसा होगा, यहाँ पर 1s2 2s2 और 2p3, ये हाफ फिल्ड है, ठीक। अब ज़रा ध्यान से देखो, वैलेंसी शैल में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, वैलेंसी शैल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, ज़रा ये बताओ। देखो ये जो हैं, जो अनपेयर्ड हैं, ये कौन से होंगे, ये बॉन्डिंग पेयर होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और जो पेयर्ड हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो पेयर्ड हैं इनको ही हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर बोलते हैं। अब देखो इसमें कितने लोन पेयर हैं, इसमें कितने हैं, दो लोन पेयर, और अब बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर हैं तुम्हारे दो बॉन्ड पेयर, दो हैं इसके बॉन्ड पेयर, ठीक है, समझ गए बात, डिफरेंस दिख रहा है ना। इसमें एक लोन पेयर, कितने एक लोन पेयर इसमें, और उसमें कितने हैं, दो लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या होता है, वैलेंसी शैल में जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो होता है लोन पेयर, ठीक। और जो अनपेयर्ड है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, वो होता है तुम्हारा बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो चलो हम इसका स्ट्रक्चर बनाते, क्या है, एक नाइट्रोजन इधर, ये हमने पढ़ा है, इसके ऊपर है एक लोन पेयर, तो मैं लोन पेयर को ऐसे बता देता हूँ, ये है लोन पेयर, ठीक है। अब सुनो, क्या मैं उसको ऐसे लिख दूँ, H, क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा। अब चलो इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर 1 और ये 2, क्या मैं इनको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ पास में एकदम, ठीक है। कुछ याद आ रहा है तुम्हें इससे, देखो क्या याद आना चाहिए तुम्हें, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होता है, वेस्पर थ्योरी याद आ रही है तुम्हें, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, और एट लास्ट सबसे कम रिपल्सन किसका होता है, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एट सबसे कम रिपल्सन होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को करेंगे रिपल, उसके बाद कौन करेगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर तुम्हारा कैसा हो जाएगा, एच, और यहाँ पर एक आएगा एच, क्या होगा, इनने कर दिया रिपल, पहले इनने खुद को रिपल किया, फिर उसके बाद क्या किया, जो लोन पेयर है उनने करा किसको रिपल, बॉन्ड पेयर को रिपल, जिसके कारण ये जो ज्योमेट्री हो गई, ये कौन सा शेप होता है, ये होता है बेंट शेप का हो गया ये। अब देखो इधर सिमिलर, यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको रिपल करेगा लोन पेयर, किसको, बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, इसके कारण क्या होगा, नाइट्रोजन जो है, इसके कारण क्या होगा, ये जो एंगल है ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज, है ना, ठीक है।
ये दोनों के दोनों कितने हाइब्रिडाइज हैं, sp3 हाइब्रिडाइज हैं। sp3 मतलब कौन सा बनता है तुम्हारा, कौन सा क्या शेप क्या आता है, टेट्राहेड्रल शेप आता है। देखो अब नॉर्मली इनका शेप कितना होना चाहिए, होना चाहिए टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का नॉर्मल एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट्स, इतना होता है। लेकिन यहाँ पर है एक लोन पेयर के कारण ये जो एंगल है अमोनियम है डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है, ये जो एंगल है ये हो जाता है 107 डिग्री। कितना हो जाता है, 107 डिग्री। तो अमोनिया में हो जाता है 107 डिग्री। वहीं अब यहाँ पर तो दो लोन पेयर हैं, एक तो आपस में ही रिपल करेंगे वो, उसके बाद वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, मतलब मिनिमम जहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। उसके बाद जो लोन पेयर जो दूर दूर चले गए हैं वो करेंगे किसको, बॉन्ड पेयर को। जो बॉन्ड पेयर को करेंगे तो वो आपस में दूर होंगे और मिनिमम रिपल्शन का गेन करने के लिए क्या करेंगे, वो अपनी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लेंगे। इसके कारण यहाँ पर जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है 104.5 मिनट्स। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा, ये एंगल हो जाता है। इसके ही कारण वाटर में जो वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो कम होता है अमोनिया का, ड्यू टू कॉज क्या है इसका, टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। चलो बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो तुम समझ ही गए हो, और कारण क्या है तुम्हारा, वही वाली थ्योरी लगाना, कौन सा जिसमें लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे लास्ट में बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये हो गया क्लियर, और कारण समझ गए दो लोन पेयर की वजह से, तो ये होता है तुम्हारा वजह। ठीक, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9th वाला क्वेश्चन, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसके पहले तुम्हें पता होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। तो देखो तुम्हें बतानी है स्ट्रेंथ, रिलेशन बताना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो तुम्हें बताना है स्ट्रेंथ किस किस के बीच में, बॉन्ड ऑर्डर के बीच में। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि भाई जितने नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड रहेंगे दो एटम के बीच में, तो उसको हम बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, देखो कैसे कि अगर ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलेंगे हम, कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है वन, बॉन्ड ऑर्डर है वन। जैसे एग्जांपल से देखते हैं हम, एग्जांपल समझ गए, नंबर ऑफ जितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक, चलो देखो एग्जांपल, अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन का एग्जांपल लें हम, इन दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका, बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका वन। समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये F2 की बात थी और ये किसकी बात है, ऑक्सीजन की बात चल रही है। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा तुम्हारा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका, टू होगा। टू क्यों होगा, क्योंकि दो बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ गए बात। ठीक, अब नाइट्रोजन N2 की बात करते हैं हम, N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसमें 3। मतलब दो एटम के बीच में जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट हैं वही होगा तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर। समझ गए ना ये बात। चलो इतना तो तुम समझ ही गए हो। अब एक चीज़ और, जितने आइसोइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल रहेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल और आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन, अगर वो सेम है तो उनके बीच का, अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, इसका मतलब क्या है आइसोइलेक्ट्रॉनिक का, मतलब कोई दो चीज़ जिनके इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। समझ गए बात। चलो देखते हैं कैसे। मान लो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं हम, किसका, फ्लोरीन का, F2 का, F सिंगल बॉन्ड F, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 9 और 9 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है 18 इलेक्ट्रॉन,
और अब हम बात करते हैं कि इसका ऑक्सीजन 2-, मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं ना, इसने दो इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, अब जिससे भी ले रखे हों, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। अब ऑक्सीजन के अंदर होते हैं नॉर्मली 8, एक एटम के अंदर 8, दो के अंदर 16, और दो ऑलरेडी ले चुका है, तो इन दोनों के बीच में, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसके भी 18 है, इसके भी 18 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा दोनों का, सेम होगा, और सेम कितना होगा, सिंगल होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा इन दोनों का 1, बॉन्ड ऑर्डर होगा इनका 1, समझ गए बात, समझ गए बात। चलो अब वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं हम, किसका, N2 का। देखो एग्जांपल देखते हैं हम N2 का, N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम CO का, CO मतलब कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर, 8+6, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा इसका, इसका आएगा 3, समझ गए बात। देखो तो यही बताने का ट्राई कर रहा था मैं, ठीक, कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल होंगे और जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस होंगे, इन दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो सेम रहेगा, समझ गए बात, सीधे सिंपल था। चलो एग्जांपल ये ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब कौन सा बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 3, ठीक, और ये कौन सा तुम्हारा, सिंगल, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं ऐसे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम, थोड़ा रिलेट करते हैं हम, देखो अब हमें पता है, हमें पता है क्योंकि हम क्या पढ़ के आए हैं, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते थे, बॉन्ड ऑर्डर किस, उसमें क्या क्या था, उसमें थी एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। तो हम क्या करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में प्रेजेंट हैं माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसका, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जितना भी आता था वो होता था हमारा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि H2 था, H2 के पास क्या होता है, सिर्फ 1s1, ठीक है। तो देखो ये 1s1, बस ऐसे ही एग्जांपल नॉर्मल, ठीक, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे होगा तुम्हारा बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की क्या होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ऊपर लिखते हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है इधर, कितने प्रेजेंट है इधर बॉन्डिंग में, 2, एंटी बॉन्डिंग में है क्या, नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर, आंसर 1 हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ऐसे निकालते हो तुम बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, स्ट्रेंथ का उसने पूछा था, चलो देखो क्या बोल रहा है वो स्ट्रेंथ का। सबसे पहले तो ये देखो क्या पूछ रहा है वो, स्ट्रेंथ का सबसे पहले ये देखो कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस किस के होता है। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो क्या तुम्हें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, एक बॉन्ड को तोड़ने में तुम्हें कम एनर्जी लगेगी, दो बॉन्ड को तोड़ने में तुम्हें ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तीन बॉन्ड को तोड़ने में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर मतलब ये सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक है, जय हमें पता है कि सी सिंगल बॉन्ड सी, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होती है सी डबल बॉन्ड सी से, है ना, और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की जो डिस्टेंस है वो तो और ही ज़्यादा कम होती है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है तुम्हारा, वैसे वैसे मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं पास, मतलब बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। चलो अगर हम ये देखना चाहें तो ये क्या होता है, इसका होता है 154 पिकोमीटर, इसका कितना होता है 133 पिकोमीटर, और इसका कितना होता है 120 पिकोमीटर। तो देखो लेंथ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहा है। अब देखो तुम क्या होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कम होती जा रही है मतलब मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं पास में, अब पास में आते जा रहे हैं तो उनका अट्रैक्शन धीरे धीरे और बढ़ते जाएगा, अगर और बढ़ते जाएगा तो स्ट्रेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो स्ट्रेंथ के,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ के, समझ गए बात। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ के, जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, समझ गए बात। चलो तो ये तीन चीज़ें एडिशनल, दो चीज़ें तो एडिशनल बताई और तीसरा तो तुम समझ ही गए होगे, समझ गए बात। ठीक, तो ये वाला हमारा था मेन, बाकी ये तो तुम्हें पता भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ऐसा नहीं है कि ये काम करनी है, ठीक समझ गए। चलो अब दूसरा देखते हैं हम। देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंथ क्वेश्चन की डिफाइन द बॉन्ड लेंथ। तुम्हें बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करना है, थोड़ा सा तो हम अभी देख के ही आए थे ना। चलो देखो, अगर सीधे सीधे हम सीधे आते हैं किस पे, डेफिनेशन पे, कि दो एटम प्रेजेंट हैं जो कि आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। ये दो एटम हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ ये दो एटम हैं, बीच में क्या होगा, इसका न्यूक्लियस होगा। अगर नहीं होगा तो ये एटम होंगे क्या, क्वेश्चन, ठीक है, आंसर बताना है इसका। चलो दो एटम प्रेजेंट हैं, ठीक, इन दो एटम के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, समझ गए बात। देखो दो बॉन्ड का, दो बॉन्डेड एटम है, ठीक है, जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, उनके एक मान लो ये एटम ए है, ये एटम बी है, ठीक, ए एटम और बी एटम के बीच की जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम, समझ गए। ये होगा तुम्हारा क्या, बॉन्ड लेंथ, ठीक, ये होगा बॉन्ड लेंथ। मान लो ये जो एटम है अभी क्या बना रहे हैं, ये जो एटम है बना रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से लेके, एक ही बात कर रहा हूँ एटम ए की, यहाँ से लेके इसके सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। सिमिलरली तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आर ए, और आर बी तुम्हारी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। अब मैं इसका अगर निकालना चाहूँ बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अब मैं उसका निकालना चाहूँ बॉन्ड लेंथ, तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए प्लस कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम बी, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे तुम किस कंडीशन में, जब तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, समझ गए बात, ठीक है। तो ये होगा कोवेलेंट बॉन्ड। अब वंडर बॉल में क्या होगा, वंडर बॉल में क्या होगा, वंडर बॉल में होता है नॉन बॉन्डेड एटम, समझ गए कि भाई वंडर बॉल एकदम वीक फोर्स है, तो हो सकता है कि वो क्या है, आइसोलेटेड एटम है, उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे तुम। मान लो ये देखो, ये दो एटम प्रेजेंट है तुम्हारे, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है ये, ऐसा, ठीक, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया तुम्हारा, ये भी आपस में क्या है, ये बॉन्डेड है, समझ गए, ये तुम्हारे क्या है, दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगा तुम्हारा, यहां तक से सेंटर से, किसके न्यूक्लियस से सेंटर तक के, इसके न्यूक्लियस तक, सेम बात तो वही है कि दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं उसका कर दूं हाफ, अगर मैं उसका कर दूं हाफ, दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है अगर मैं उसका हाफ कर देता हूं तो उसको हम बोलते हैं वंडर वॉल रेडियस, वंडर वॉल्स रेडियस, समझ गए बात। ये कब बात है, जब नॉन बॉन्डेड एटम की बात चल रही है जो कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या किसी सॉलिड में वो प्रेजेंट है, वो ठीक है, उनकी बात चल रही है जो कि एकदम क्या होता है, वीक होता है। तो एकदम जब वो एकदम क्लोज आ गए हैं तब तुम वंडर वॉल रेडियस कैसे निकालोगे, उसके सेंटर से, उसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस होगी उसका जब तुम हाफ करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, वंडर वॉल रेडियस, समझ गए बात। चलो ये तो हो गया तुम्हारे बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब जो बॉन्ड लेंथ है उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ, यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ, उसको हम निकालते हैं या तो एंगस्ट्रॉम से, मतलब 10^-10 मीटर, ठीक है, या तो पीकोमीटर से, पीकोमीटर क्या होता है, 10^-12 मीटर, ये होता है तुम्हारा बॉन्ड लेंथ की यूनिट, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ किस टेक्निक से और निकल सकती है,
ठीक है, बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए जो टेक्निक होती है वो होती है या तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक या तो एक्स रे डिफ्रैक्शन। इन टेक्निक से तुम बॉन्ड लेंथ किसी भी एटम का निकाल सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये होती है मेथड, टेक्निक, ठीक है, और यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर। समझ के बाद ये होता है तुम्हारा कोवेलेंट, मतलब डिस्टेंस तुम्हें बताना है भाई एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी क्या है, कोवेलेंट। ठीक, यहाँ पे हम पूरी डिस्टेंस ले रहे हैं, यहाँ पे हाफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है ना वो कितना पास है कितना दूर है। ठीक है, समझ गए बात, ये होता है रीज़न। चलो ये समझ गए। अब कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो बॉन्ड लेंथ को क्या कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं या उसको अफेक्ट कर सकते हैं, चलो वो देखते हैं एक बार। कि जो बॉन्ड लेंथ है हमें पता था, अभी हम देख के आए कि बॉन्ड लेंथ अगर क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब क्या होगा कि उसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बॉन्ड ऑर्डर कम है, ये अभी देख के आए हम, बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखा है ना अभी। ठीक, चलो और क्या होता है, और क्या होता है, अगर रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन की बात करते हैं हम, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन ये भी अफेक्ट करते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं, किसको अफेक्ट करते हैं, बॉन्ड लेंथ को, अफेक्ट्स बॉन्ड लेंथ। कैसे, अच्छा ये बताओ, बेंजीन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है और ये करता क्या है, जब कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, इधर पे कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो हो जाती है कम, कितनी हो जाती है, 1.39, ये क्या होगा, एंगस्ट्रॉम होगा। और नॉर्मली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो रहती है बॉन्ड लेंथ वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके अंदर जो रेजोनेंस है या जो हाइपर कंजुगेशन इसके अंदर हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, कि बॉन्ड लेंथ क्या हो गई तुम्हारी, चेंज हो गई, ये बोल सकते हैं ना हम, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो अब ये बताओ, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो तुम्हें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए कि कम देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे अगर तुम्हारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ तुम्हारी ये बहुत ही ज़्यादा है, अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी बहुत कम, एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख लेना इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ गए बात। चलो अब मैं तुमसे एक चीज़ और पूछूं कि एस कैरेक्टर बढ़ेगा या कि कम होगा, एस कैरेक्टर बढ़ने पे बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताओ। ठीक, जैसे कि हम एस कैरेक्टर क्या होता है, जैसे कि sp3 इनकी बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर एस कैरेक्टर कितना है, 25%, ये है 33% और ये कितना है तुम्हारा, 50%। अब ये बताओ इन सब में बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क आएगा, बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क आएगा। देखो अगर तुम्हारी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उतना ही कम होगा तुम्हारा एस परसेंटेज, समझ गए बात। ठीक है, तो ये कुछ होते हैं रिलेशंस, तो ये याद रखना, ये तो अपन पहले भी देख के आए हैं अभी। ठीक है, ये हम अभी देख के आए हैं। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्टेबिलिटी, या बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंगल बॉन्ड वाला ज़्यादा स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड वाला कि ट्रिपल बॉन्ड वाला। ठीक है, ये तुम पे छोड़ता हूँ क्योंकि अपन ने इसका रिलेशन देखा है, तो इससे ये वाला निकाल के दिखाओ। ठीक है, समझ गए बात। चलो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विथ रेफरेंस टू CO3 2- आयन। ठीक है, कार्बोनेट आयन के लिए तुम्हें क्या बताना है, इसको रेजोनेंस को समझाना है, तो वो हम समझा लेंगे। देखो सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है वो देखते हैं हम, क्या होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, जब सिंगल लुइस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ना कर पाए मॉलिक्यूल को, ठीक है, या फिर तो तुम्हें क्या लगता है, बहुत सारे तुम क्या बनाते हो, स्ट्रक्चर्स बनाते हो, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स विथ सिमिलर एनर्जी, ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस जिसमें फिक्स रहती है, ठीक है, और बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लेते हैं हम किसमें, उसी उसको समझाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, उसको ही हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। समझ गए, धन्यवाद। देखो ऐसे समझो कि जब
लुईस स्ट्रक्चर आया था हमारा पता है हमको, कि जिसमें हम वैलेंसी काउंट करते हैं फिर एक बॉन्ड से हम जोड़ देते हैं, वो तो अब तुम्हें पता है, ठीक है, इतना तुम्हें पता है। अब लेकिन अगर लुईस स्ट्रक्चर भी क्या हो वो ना समझा पाए, क्या ना समझा पाए, कि भाई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक, अगर वो ना समझा पाए तो क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, जिसकी एनर्जी एकदम सेम होती है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनते हैं उसमें जो पोजीशन रहती है किसकी, न्यूक्लियाई की, तो क्या होता है, मतलब किसी भी एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती है, इतना समझ गए, ठीक है। तो उन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, कौन सा स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और जिसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस किसको बोलते हैं, अब समझ गए हो तुम, ठीक, चलो। और अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को, जितने स्ट्रक्चर बने हैं उसको हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, जिसकी एनर्जी सेम होती है, इतना समझ गए हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब हम पूरे क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा कैसे बनेगा, अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तुमसे पूछा है CO3 2-, तो हम लुईस से ही चलेंगे, ठीक है, लुईस से ही चलेंगे हम। लुईस क्या बोलता है, सबसे पहले वैलेंसी काउंट करो और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम को बीच में लो, ठीक है, जहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन होता है फ्लोरीन के बाद, ठीक है। तो देखो ये सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसको हम लेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, कार्बन को बीच में लेंगे। अब ऑक्सीजन को तुम्हें ऐसे लगाना है जहां पे रिपल्शन काफी ज्यादा कम हो, ठीक है, ये हम पढ़ते भी आए हैं। सुनो अब वो क्या बोलता है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा, तो हमें ये पता है कि कार्बन के पास क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6, तो 2 और 4 जाता है, देखो कार्बन की बात करें 2 और 4 जाता है, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 8, किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है, इसका कितना होता है 6 कार्बन का, तो इसका कितना जाएगा 2 और 6, तो 6 होंगे इसकी वैलेंसी और 4 होगी कार्बन की वैलेंसी, इतना हमें पता है। चलो वापस जाओ, अब कितने हैं ये गिनो, 4 कार्बन के, मतलब एक कार्बन है तो 4 हो गए, उसके बाद 3 क्योंकि 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 एटम है किसके, ऑक्सीजन के, अब देखो 3 × 6, ठीक है, इतना समझ गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है तो +2, ठीक है, ये कितने होगा जरा देखो, 18 और ये होगा 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तुम्हें कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए, है ना। चलो देखो, अब मैं अगर ऐसे लगा दूं, ऐसे मैं लगा दूं, तो क्या ये सही होगा, ये बताओ, क्या ये वाला सही होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई इन सब के पास लोन पेयर होते हैं, इन सब के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब इनके पास जब लोन पेयर होते हैं तो ये क्या करता है भाई, रिपल्शन शो करेगा, ठीक है, क्या करेगा ये, रिपल्शन शो, कहेगा कि दूर जाओ तुम भी दूर जाओ, ऐसी शो करेगा ये, ठीक है, तो ये सब रिपल्शन शो करेगा, जिसके कारण इनका जो स्ट्रक्चर बनता है थोड़ा सा बेंट होता है, कैसा शेप होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक, ये कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, तो ये इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस ले लेंगे, इतनी मैक्सिमम डिस्टेंस को अपने पास रखेंगे जिससे रिपल्शन क्या हो, काफ़ी ज़्यादा कम हो, ठीक है, इतना समझ गया, तो हमने अरेंज ऐसे कर लिया। अब चलो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो सबसे पहले लुईस का कहता है कि एक एक बॉन्ड से सबको जोड़ दो, ये कहता है, तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जब एक बॉन्ड बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, यहाँ पे कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यूज हो गए, तो कितने बचे तुम्हारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। अब तुम्हें क्या उनको ऐसे अरेंज करना है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए, इतना समझ गया, ठीक है, चलो अरेंज करते हैं हम। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन को हम बाद में देखते हैं, सेंट्रल एटम को याद आ रहा है, ठीक है, तो देखो इसके पास कितने हैं, 2 हैं, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए, यहाँ पे जाओ, अब कितने बचे तुम्हारे पास, 10 बचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो कितने हो गए इसके पास, इसके पास कितने हो गए, देखो ये हो गए 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अब इधर बात करो, 8 और इसके पास 8 हो गए, ठीक है, हमें सिर्फ अरेंज करना है, बाकी हम देखते हैं। हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 6 हम यूज़ कर चुके बॉन्ड बनाने में, सिंगल बॉन्ड बचे 18, बस लगाओ, ये हो गया तुम्हारे 6, 6, 12, अब बाकी पास लगा दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, हो गए इलेक्ट्रॉन 6, 6, 6, 18 और बाकी 6 हो गए, तो 24 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। लेकिन अब बात कहाँ पे आती है, कार्बन एटम पे, देखो कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या बोलता है
कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो सामने वाला क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा। मान लो इसने शेयर कर दिया, ठीक है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसके ऊपर कितने बॉन्ड जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 तो है ही, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। और जो माइनस चार्ज है वो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन बनाता है कितने बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक नहीं दो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और हमने देखा ही है कि कार्बन के ऊपर कितना है, 2- है, ठीक है। अब इस काम बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कैसे बनाएंगे वो तुम अब बना सकते हो। देखो देखो एक स्ट्रक्चर तो हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अगर क्या मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो डबल बॉन्ड कार्बन के साइड आया, लेकिन ये भी तो दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। तो क्या स्ट्रक्चर, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो डबल बॉन्ड किसके पास आ जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे, इसके पास आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज भी कैरी करने लगेगा ये, इतना समझ गए हम, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या होगा, इसने तो कुछ चेंज ही नहीं करा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इतना समझ गए हम। चलो अब एक चीज़ और हो सकती है, आप तो तुम स्ट्रक्चर बना लो ज़रा, कैसे बनाओगे, जब एक बार ये दे चुका, एक बार ये दे चुका, लास्ट टाइम ये देगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, डबल बॉन्ड सी, इतना समझ गया। अब क्या होगा, इनने तो कुछ चेंज नहीं करा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, स्ट्रक्चर अगर बेंट है तो बेंट ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज। तो ये देखो तुम, नेगेटिव चार्ज ना हर किसी ऑक्सीजन के पास आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, मैं अगर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊँ, रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बताएगा, तो मैं पूरी समरी बता देगा कि कहाँ पे क्या क्या हुआ। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ब्रैकेट बनाऊँ मैं, ठीक है, और मैं इसके ऊपर लगा दूँ 2-, क्यों लगाया, क्योंकि जो तुम्हारा चार्ज है वो पूरे में घूमता ही रह रहा है, ठीक है, सब ऑक्सीजन के पास एक एक बार जा रहा है, तो मैंने एक काम किया ओवरऑल लगा दिया ऊपर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे शो कर दूं, कार्बन है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। सबके पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके पास भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इसके पास भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे बन रहा है एक डबल बॉन्ड, इतना समझ गए हम। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड भी सब में घूम रहा है, तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ यहाँ पे डॉटेड लाइन से, ठीक है, ऐसे शो कर सकता हूँ मैं इसको डॉटेड लाइन से, क्योंकि कार्बन के जो डबल बॉन्ड है वो सब में घूम रहा है डॉटेड लाइन से। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और इसको ही बोलोगे तुम रेजोनेंस हाइब्रिड, समझ गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है तुम्हें, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, ये एकदम सिमिलर एनर्जी के बन रहे होंगे, समझ रहे हो, और इसमें जो न्यूक्लियाई की पोजीशन है बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, समझ गए। तो ये बनता है तुम्हारा रेजोनेंस, और ऐसे ही हम समझा सकते हैं रेजोनेंस होता क्या है, ठीक है। हमने दो चीज़ देखी, रेजोनेंस क्या होता है, हम एक बार और देख लेते हैं कि भाई रेजोनेंस में एनर्जी ऑफ जो भी रहते हैं स्ट्रक्चर वो सेम, न्यूक्लियाई चेंज नहीं होता है, और तुम एटम की पोजिशन भी क्या नहीं कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, इतना समझ गए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का बस मूवमेंट होता है, बाकी किसी का नहीं होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट हो रहा है ना, यहाँ से ये यहाँ आ गया, लेकिन एटम नहीं घूम रहे, वही बात है, ठीक। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस एसिड तुम्हें दिया हुआ है, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 और 2। तुम्हें दो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, कौन कौन से, ये तुम्हारा 1 और ये है तुम्हारा 2। अब ये कौन से स्ट्रक्चर हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक। कैन दीज टू स्ट्रक्चर्स बी टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटिंग क्या फॉस्फोरस एसिड, इफ नॉट गिव रीजन फॉर द सेम। अब ये बताओ कि ये जो तुम्हें दिया हुआ है स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह तुम्हें ये दिए हुए हैं, क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर से जो बनेगा एक्चुअल स्ट्रक्चर के कैनोनिकल फॉर्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, समझे नहीं समझे। देखो क्या है कि ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, जैसे हमने अभी बनाए थे कार्बोनेट के, ऑक्सीजन के ऊपर पहले डबल बॉन्ड आ रहा था फिर इसके ऊपर आ रहा था, तो वैसे ही क्या ये हो सकते हैं फॉस्फोरस एसिड के, हमें ये बताना है। और इफ़ नॉट, ज़्यादातर अगर तुम्हें इफ़ नॉट आता है तो उसका आंसर नॉट ही होता है, ठीक। चलो अब देखो, हमने अभी कुछ पढ़ा था जिसमें क्या बोले थे कि हमने क्या पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू लुइस अगर सिंगल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पा रहा है क्या मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी वगैरह उसको नहीं कर पा रहा है डिफाइन, ठीक है, तो हम क्या करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं और पोजिशन ऑफ क्या न्यूक्लाई फिक्स रहती है,
ठीक, पोजीशन पे याद रखना, पोजीशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो एच है, ठीक है, इसने चेंज कर लिया है, यहाँ पर दिख रहा है पूरा का पूरा चेंज हो गया है, ठीक। ये एच ऊपर है, ये नीचे, और क्या हुआ देखो, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया, ऑक्सीजन भी चेंज हो गया ना, समझ गए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या नहीं कर पाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइन नहीं कर सकता, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। तो फिर लिखोगे नो, ठीक, दीज टू स्ट्रक्चर, ठीक, कैन नॉट टेकन एज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब क्यों, बिकॉज द पोजिशन ऑफ न्यूक्लाय इज चेंज्ड। समझ गए बात, देखो हमने ये स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि पोजिशन ऑफ न्यूक्लाय क्या हो गया है, तुम्हारा चेंज हो गया है, ठीक, यही पढ़ा था ना हमने, ठीक, यही पढ़ा था। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक, अच्छे से पढ़ना रेजोनेंस का, आगे आगे पूरे ऑर्गेनिक में ज़्यादातर तुम्हें यही मिलेगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर SO3, NO2 और NO3-, ठीक है। चलो तो हमें बनाना है ये, सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सेंट्रल सेंट्रल एटम को देखेंगे कि कौन सा है पहला, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम करेंगे काउंट, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम करेंगे काउंट, ठीक, थर्ड उसके बाद हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम टर्मिनल से, ठीक है। और अगर सेंट्रल एटम की, सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो जो डबल हैं, जो डबल इलेक्ट्रॉन हैं या लोन पेयर बोलते हैं जिनको, या डबल इलेक्ट्रॉन हैं या लोन पेयर हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, उनको हम बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो चलो बनाते हैं हम, सल्फर कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है भाई, ऑक्सीजन, तो बीच में क्या आएगा, सल्फर आएगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है, 16, ठीक है। तो चलो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने प्रेजेंट होंगे, 2, 8, 6, तो 6 क्या है तुम्हारे, वैलेंसी इसकी, ठीक, तो 6 प्लस, और ऑक्सीजन की हमें पता ही होती है कितना होता है, 2 और 6, तो यहाँ पे भी 6 है, तो कितने ऑक्सीजन है, 3, कितना हो जाएगा, 18, तो ये देखो 18 प्लस 6 24 इलेक्ट्रॉन है। अब डिस्ट्रीब्यूट करना है, चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रल एटम सल्फर, अरेंज करो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है ना, ठीक है। अब ये क्या होगा भाई, थोड़ा सा रिपल्शन होगा इनमें, तो ये हो जाएंगे नीचे, देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और एक यहाँ पे ऑक्सीजन, समझ गए बात, ठीक। चलो अब करना क्या है, सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड से इनको कर दो ज्वाइन, ठीक है, ये तो अब तो तुम लोग को आने लगा होगा, ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यूज़ हो गए हैं, मतलब 6 यूज़ हो गए हैं, बचे कितने, 18 हैं, और सबको कितने चाहिए, 1, 2, 6 चाहिए ना, तो बस दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। अब देखो क्या सल्फर सेटिस्फाइड है, मतलब क्या वो सल्फर के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन बस हैं, तो ये क्या करना पड़ेगा हमें, या तो ये दे दे, या तो ये दे दे, या तो ये दे दे, या तो इसके दो से तुम एक बॉन्ड बना लो, या तो इसके दो से, या तो इसके दो से, यही हो रहा था किसके केस में, कार्बोनेट आयन के केस में, तो कितने स्ट्रक्चर बने थे, 3, तो इसके कितने बनेंगे, सिंपल सी बात है, 3। चलो देखो बनाते हैं हम, मान लो इसने दे दिए, इसने दे दिए, तो दो इसके खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये एरो कौन सा होता है, अभी बताया था, ठीक है, क्या होगा, सल्फर, अभी तो इसने दिया, अब मान लो ये कर दे, इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करके सिंगल बॉन्ड बनाओ, तो क्या होगा, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, कितने हो जाएंगे, अब इसके पास अगर बना लिया इसने, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पे बना दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे 1, 2,
थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, है ना। देखो यहाँ पे जब तुम यूज़ करोगे तो ये हो जाएंगे फोर, दो का तो यूज़ करके तुमने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा। देखो अब एक और स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा तुम्हारा, एक बार इसने दे दिया, एक बार इसने दे दिया, अब बचा कौन भाई, अब ये भी देगा, ठीक है। तो बना दो सल्फर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। कितने यूज़ होगा इसके, दो, तो कितने बचे, फोर बचे, फोर इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो कुछ, इसने तो कुछ शेयर ही नहीं किया अभी, अब इसने भी नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो तीन बनेंगे, कौन से स्ट्रक्चर, कौन से क्या स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको, या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल लो या कैनोनिकल फॉर्म बोल लो, ठीक है। अब बताओ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या कहता है, जितने ज़्यादा कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड आया, एक इन दोनों के बीच में, ठीक, एक इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में, अगर मेरे को इसको हाइब्रिड एकदम रिजल्ट में शो करना है कि कैसे बने होंगे, तो इसको कैसे शो करूँगा मैं। देखो देखो अब कौन सा हमारा नाइट्रोजन वाला, ठीक है, नाइट्रोजन देखो NO2, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भाई, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, कितने होते हैं, फाइव, टू और फाइव, एटॉमिक नंबर सेवन, ठीक। अब ऑक्सीजन के कितने होते हैं, एट होता है इलेक्ट्रॉन, और वैलेंसी में कितने होते हैं, टू और सिक्स, मतलब सिक्स होता है इसके पास वैलेंसी, ठीक। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इनके पास, फाइव प्लस टू इंटू सिक्स, कितने होगा ये होगा 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, अब इनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेंट्रल आइटम कौन सा होगा तुम्हारा, नाइट्रोजन होगा, क्यों क्यों होगा, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, किससे, इलेक्ट्रो कम नेगेटिव है ना, किससे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से। अब चलो लिखो यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से तुम क्या कर दोगे, इसको पहले ही क्या कर दोगे, बॉन्डेड कर दोगे, ये तो रूल चलता है, ठीक। अब देखो अब तुम्हें करना है डिस्ट्रीब्यूट, क्या करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है, मतलब तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एट इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, बचे तुम्हारे नाइन। अब सुनो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी क्या होगा तुम्हारे, यूज़ हो चुके हैं। अब बचा क्या तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब लेकिन तुम ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन सेटिस्फाइड हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्या करोगे फिर, यहाँ से तुम बनाओगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनाओगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो क्या होगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए अपने, ठीक है, जो दो हैं वो दे दिए और उनने बॉन्ड बना लिया, क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर, और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, क्या नाइट्रोजन अब सेटिस्फाइड है, नहीं है। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ही हो रहे हैं इसके पास, तो क्या करता है, ये वाला जो ऑक्सीजन है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा उसको, जिसके कारण इसके ऊपर आता है, पूरे कंपाउंड के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक, समझ गए बात, सुनो अब ये बना, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब सुनो, एक तो स्ट्रक्चर तुम्हारा ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा तुम्हारा स्ट्रक्चर बनेगा क्या, जब ऑक्सीजन ये वाला डबल बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ और सिंगल बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ इधर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएंगे तुम्हारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक, यहाँ पर नेगेटिव, अब ये वाला ऑक्सीजन दे देगा इसको, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक है। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी हो गया, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। बाकी यहाँ पे ये जो दो बनेंगे तुम्हारे, ये बनेंगे क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं तुमसे हाइब्रिड की पूछूँ तो क्या बनेगा, हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड को हम इस तीन लाइन से शो करते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा, कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कंसिडर किया जाता है। सुनो क्या बनेगा, नाइट्रोजन, ठीक है, अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो कभी ये शेयर कर रहा है, कभी ये शेयर कर रहा है, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज, तो इस पूरे कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यह इसको एक और तरीके से शो करते हो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर दो बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर ही तुम लिख सकते हो ऐसे माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेजोनेंट हाइब्रिड, ये हो जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये तुम्हारे क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनकी एनर्जी वापस से वही ज़्यादा होगी और इनकी एनर्जी कम होगी, और जो एनर्जी डिफरेंस आएगा उसको क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग एनर्जी। चलो ये दो बार हो गया ना रिपीट, कोई बात नहीं। चलो सुनो अब देखो, अब है हमारा कौन सा, नाइट्रेट आयन NO3-, ठीक है, चलो वो देखते हैं अब हम। देखो नाइट्रेट में क्या है, NO3-, बाकी सब तो सेम रहेगा, फाइव
प्लस 3 × 6 प्लस 1, प्लस 1 क्यों आया, क्योंकि ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस अब क्या करो, कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 18 प्लस 6 24 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हैं। बस अब क्या करो, देखो ये नाइट्रोजन ये जाएगा बीच में, ठीक, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से इनको कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या हो चुके हैं, ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, कितने बचे 18। अब डिस्ट्रीब्यूशन 3 में, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास और 3 है, सिंपल सी बात है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 6 इसके पास, ठीक है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का, नहीं है, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या होगा, इनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन, मतलब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएगा। चलो बॉन्ड बनाते हैं। अब ये तो तुम्हारा नॉर्मल हुआ, अभी तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया। अब क्या होगा, ये वाला अगर ऑक्सीजन दे दे इसको तो यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये वाला, इसने ये वाला पेयर को कर दिया शेयर, बन गया तुम्हारा बॉन्ड, ठीक है। चलो एक तो ये हो गया, दूसरा क्या बन सकता है, नाइट्रोजन को कौन सा कौन सा वाला ऑक्सीजन दे दे, अब ये वाला दे देगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर, एक तो इनने शेयर कर दिए, दो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी इनने कितने हैं, ये शेयर नहीं करा। अब लास्ट कौन सा बनेगा, ये वैसे ही वाला बन रहा है कार्बोनेट आयन जैसा, ठीक है, और कौन सा SO3 आयन जैसा, देखो अब क्या होगा, ये दोनों ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, अब करेगा ये वाला नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, ओ और ये ओ, इनने शेयर कर दिया तो बचे कितने इसके पास, 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये बनेंगे तुम्हारे कौन से स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। अब हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड में क्या हो रहा है भाई, देखो बॉन्ड जो है क्या हो रहा है, वो डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है मतलब कि कभी इसके पास है, कभी इसके पास है, कभी इसके पास है। अब कैसे शो करोगे इसको, फिर से बनाओगे तुम वही बॉक्स, ठीक, ऑक्सीजन ऊपर, नाइट्रोजन वहीं। और एक चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या मैंने अभी तक, वैसे तो अलग अलग आया नहीं है, क्या हम न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियाई जो हैं, क्या हम उनकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। तो हाँ, इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है, ये जो है ना। अब इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, देखो बॉन्ड इधर भी बना है, इधर भी बना है, इधर भी बना है ना, ऐसे भी बना है। अब क्या इस पूरे के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, कभी इसके पास नेगेटिव है, कभी किसके पास नेगेटिव है, कभी इसके पास नेगेटिव है और कभी इसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है ना पूरे के पूरे कंपाउंड पे, ये देखो ये अभी देखा है ना हमने, ठीक। तो इस पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, समझ गए बात, ठीक, समझ गए बात, क्योंकि चार्ज भी तो क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है ना, डिलोकलाइज वो भी तो हो रहा है, उसकी पोजिशन भी तो चेंज हो रही है, ट्रांसफर हो रहा, ठीक है। चलो तो ये बन जाएगा तुम्हारा रेजोनेंस हाइब्रिड, फिर से वही बात, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी अब तुम्हें पता है, ठीक। तो ये होंगे हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, किसके, SO3 के, NO2 के और NO3- के, समझ गए बात, ठीक है। अब इसमें बस आया था हमारा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगा अगर तुम माइनस चार्ज नहीं दोगे, या जब तब क्या करे वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दे नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तब इसलिए हमें क्या लाना पड़ा, हमें नेगेटिव चार्ज लाना ही पड़ा, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर्स, समझ गए। अब एक चीज़ बताओ, रेजोनेंस एक और चीज़ में, रेजोनेंस क्या है, एक चीज़ और के कारण आता है, वो क्या होता है, जब डी लोकलाइजेशन होता है, डी लोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, ये तुमको आगे आएगा, बस एक ये जो पॉइंट है ये याद रखना, डी लोकलाइजेशन ऑफ जब पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है तब भी रेजोनेंस फॉर्म होता है, समझ गए बात, ठीक है, ऑर्गेनिक में तो यही है। चलो ठीक, अब देखते हैं हम कौन सा 14th क्वेश्चन हमारा, देखो अब क्या है तुम्हारा, कि यूज़ लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो तुम्हें लुईस सिंबल को यूज़ करना है किन सब के लिए, जैसे तुम्हें दिया है पहला पोटेशियम और सल्फर, ठीक है, और हमें क्या बताना है कि कैटायन और एनायन जो दिए हुए हैं हमें, ठीक, देखो हमें कैटायन और एनायन दिए हुए हैं, अब हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बताना है विद दी हेल्प ऑफ लुईस सिंबल, ठीक। देखो हमें पहला दिया है पोटेशियम, दूसरा दिया है हमें सल्फर, ठीक। तो लुईस सिंबल के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वैलेंसी, ठीक। लुईस सिंबल क्या बताता है, एक एलिमेंट के अराउंड कितने डॉट्स प्रेजेंट हैं, वही बताता है ना, वही तो होता है वैलेंसी, ठीक। देखो अब ये कितने, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, तो ये हो जाएगा 2 8
8, 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो कितना हो जाएगा 2, 8, 6। ठीक है, तो अब बताओ तुम्हें ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले तो ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो सुनो जो पोटेशियम है वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब भी इसके पास कितने होंगे 7 होंगे, तो एक और पोटेशियम को आना पड़ेगा 2, 8, 8, 1। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेगा तब होगा किसका, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट। देखो अब मैं कैसे शो करूंगा, ये है पोटेशियम, वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी 1। ठीक है, अब एक और पोटेशियम होगा उसके इलेक्ट्रॉन है 1, है ना, प्लस किसके साथ जा रहे हैं ये सल्फर के साथ, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है देखो 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये जो पोटेशियम है ये इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, ये वाला पोटेशियम भी इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के जो है वो प्लस हो जाएगा इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, तो दूसरा वाला के भी प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं टोटल लिख सकता हूँ 2K+। ठीक, 2K+, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2K+, प्लस सल्फर क्या हो जाएगा 2-, क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इसको मैं शो कैसे करूँगा, बनेगा तुम्हारा क्या K2S बनेगा। अब इसको शो कैसे करूँगा, देखो के इसने दे दिया सल्फर को, तो सल्फर के पास कितने हो जाएंगे, सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ गए ये बात। ठीक है, तो इसको अगर मेरे को टोटल शो करना रहेगा तो मैं ऐसे शो करूँगा, देखो देखो ये पोटेशियम, ठीक है मैं सीधे ही लिख रहा हूँ 2 और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये करेगा शेयर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बनेगा क्या तुम्हारा K। ठीक है, K तो सिर्फ रह जाएगा, और सल्फर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ करेगा इंजॉय, और ये बना लेगा प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सा, K2S। तो ऐसे शो करोगे तुम किससे, लुईस सिंबल से, क्योंकि के पास अब एक भी वैलेंसी तो बची नहीं, तो ये के ऊपर कोई भी डॉट्स नहीं आएगा, समझ गए बात। चलो ऐसे शो करोगे तुम K2S को, ये वाला हो गया। अब देखते हैं हम दूसरा वाला कौन सा हमारा, कैल्शियम और ऑक्सीजन। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, 8, 8, 2, मतलब 20 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब ऑक्सीजन उसका कितना होता है 2 और 6, मतलब 8 होता है उसका। अब देखो इसको दो देने हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको दो लेने हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन अगर दो लेगा तो 8 में हो जाएगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट, और अगर ये दो देगा तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वाला 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट, है ना, क्लियर है। देखो अब क्या करोगे तुम, कैल्शियम को कैसे शो करोगे 1 और ये 2, 1 और ये 2, उसके बाद प्लस ऑक्सीजन को कैसे शो करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी दे देगा, तो कैसे शो करोगे तुम कैल्शियम और फिर ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे शो करोगे तुम किसको। ठीक है, ये हो गया लुईस डॉट सिंबल किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये बनता क्या है, प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा Ca, देखो जब ये दो दे देगा 2+ प्लस ऑक्सीजन 2-, तो बनता है तुम्हारा CaO। ठीक है, ये तुम्हारा रिएक्शन भी होती है, समझ गए बात, है ना। अब देखते हैं हम कौन सा, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन का। देखो एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 2, 8, 3, है ना, इसका कितना होता है 7, मतलब 2 और 5, इसको कैसे शो करोगे, एल्यूमिनियम 1, 2 और ये 3 प्लस नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4 और ये 5, है ना, इसको कितने चाहिए, इसको चाहिए हैं 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा भाई, ये दे देगा, ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो क्या हो जाएगा Al प्लस नाइट्रोजन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के साथ करेगा इंजॉय, और बनेगा क्या, ये देखो अभी कैसे है तुम्हारा Al 3+ प्लस नाइट्रोजन 3-, बना क्या तुम्हारा AlN, समझ गए, ये बनेगा तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये वाला होगा तुम्हारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब इसके ऊपर डॉट क्यों नहीं आए, क्योंकि इसने तीनों के 3 दे दिए, समझ गए बात। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, और कैटायन एनायन कैसे बने,
ऐसी तो बने, समझ गए। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, आप देखते हैं 15th क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15th कह रहा है कि ऑल दो बोथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर ट्राइएटमिक, ट्राइएटमिक मतलब तीन एटम से मिलकर बने, ठीक। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंड वाइल शेप ऑफ कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड इज लीनियर, एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट के बेसिस पर हमें बताना है, डायपोल मूवमेंट होता क्या है भाई, पहले तो ये देखो, डायपोल मूवमेंट होता है क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज विथ द डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर कंपाउंड, समझ गए। तो इसको शो कैसे करते हैं, म्यू से शो करते हैं इसको, और लिखते क्या है, किसके इक्वल है ये, प्रोडक्ट ऑफ क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस को हम आर से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अब देखो डायपोल मूवमेंट जो है ना वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, देखो अगर डायपोल मूवमेंट जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो, पहला अगर डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक, अगर डाई एटमिक है तो। और दूसरा अगर क्या है वो तुम्हारा, ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट, ठीक, डायपोल है ये, डायपोल प्रोपोर्शनल है, ठीक। अगर तुम्हारा वो कौन सा है, पॉली एटमिक, पॉली एटमिक, ठीक है, तो जो डायपोल है, जो डायपोल मूवमेंट है तुम्हारा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है, उनके रिजल्टेंट सम ऑफ देयर बॉन्ड डायपोल के, ठीक, इन मॉलिक्यूल, समझिए बात। देखो अब इसका मतलब क्या था, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम डायएटमिक का, HF। अब देखो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है, और डायपोल मूवमेंट को हम एक एरो से शो करते हैं, वो एरो क्या होता है, ऐसा एरो होता है, ठीक है, ये होता है उसका टेल पार्ट, ये होता है उसका हेड पार्ट, ठीक है, तो जो टेल पार्ट है वो उधर होता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव साइड होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव साइड होता है, मतलब कि यहाँ से जो ये बताएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा गया है किस साइड, इस साइड, समझ गए बात। देखो अब इसको मैं कैसे शो करूँगा, हाइड्रोजन से खींचेगा कौन, फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो देखो डायएटमिक मॉलिक्यूल के लिए, मतलब ये जो डायएटमिक मॉलिक्यूल है, डायपोल किसके डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन के, ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो ये होता है डायएटमिक के लिए। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलीएटमिक के लिए, तो उसके लिए हमें ये वाला ऑप्शन दिया ही हुआ ना, ये क्वेश्चन दिया ही हुआ, चलो हम इसमें देखते हैं। देखो अब क्या है तुम्हें, CO2 दिया है और एक दिया है तुम्हें H2O, ठीक, उन्होंने खुद बोला है कि लीनियर होता है CO2, तो बना दो पहले ही लीनियर, और उन्होंने पूछा हमसे पता, लेकिन अभी तो हमें गिवन भी तो भाई दे दिया है ना, पूछते ही गिवन दे दिया है। और ये होता है तुम्हारा बेंड का, ये होता है तुम्हारा बेंड स्ट्रक्चर, ठीक। सुनो अब हमें पता है ऑक्सीजन के पास होते हैं क्या, लोन पेयर्स, है ना, और कार्बन के पास नहीं होते हैं लोन पेयर्स। अब होगा क्या, अभी हमने क्या पढ़ा है, पॉलीएटमिक में क्या होता है, सम होता है, किसका सम होता है, बॉन्ड डायपोल के बीच में, मतलब कैसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है तुम्हारा, ऑक्सीजन, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस साइड कार्बन से, और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अब तुम देखो जितना ये खींचेगा उतना ही तो ये खींचेगा, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है, तो नेट डायपोल क्या आएगा इसका, नेट डायपोल आएगा इसका जीरो, नेट डायपोल इसका आएगा जीरो, समझ गए ना ये बात, जितना ये खींचा उतना यही खींचे, ठीक है, दोनों तुम क्या हो जाए, तुम्हारा क्लोन मिल जाए, ठीक है, दोनों एकदम स्ट्रेंथ सेम है, और एक दूसरे को खींचोगे तो हिल पाओगे क्या, नहीं हिल पाओगे ना, ठीक है, तो यही होगा। अब यहाँ पे देखो
लोन पेयर अलग से खींचेगा अपने साइड इलेक्ट्रॉन, है ना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खिंचवाएगा ऑक्सीजन से, ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन खिंचवाएगा ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये देखो नेट डायपोल कहाँ पे जा रहा है, नेट डायपोल जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नेट डायपोल कहाँ पे जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो वैल्यू कितनी होती है इसकी डायपोल की, म्यू इज इक्वल टू 1.84 डीबे, ठीक है, डायपोल को हम डीबे से शो करते हैं ना। देखो ये होता है किसकी वैल्यू, डीबे की वैल्यू। अब ये सब छोड़ो वैल्यू, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसके पास कोई लोन पेयर था क्या, नहीं था, जितना इसने खींचा इतना इसने खींचा, ठीक है, तो नेट नेट इसका हो गया क्या, कितना होगा डायपोल, जीरो हो गया, जीरो हो गया डायपोल। अब इसका देखो, एक तो ऊपर से खींच ही रहा है, एक तो ऊपर से खींच रहा है, और जो ऑक्सीजन ऑलरेडी किससे ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऊपर, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा है, इसके कारण क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा तुम्हारा, पूरा का पूरा ऊपर ही खींच रहा है, पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉन है ऊपर ही जा रहे हैं, तो इसका डायपोल कितना आएगा, 1.84। इसलिए जो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है बेंट और ये होता है लीनियर, क्योंकि इसका तो डायपोल आ ही नहीं रहा है ना, ये होता है लीनियर, समझ गए बात। और डायपोल मोमेंट से हम क्या बता सकते हैं, कितना पोलर है या नहीं है, समझ गए। देखो और डायपोल को अगर हम नॉर्मल क्वांटिटी में देखना चाहें तो वो होता है 1.33 × 10⁻³⁻³ cm, c क्या है तुम्हारा कूलम और m क्या है तुम्हारा मीटर, वही था ना, चार्ज इंटू क्या था तुम्हारा डिस्टेंस था, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा डायपोल, समझ गए, ये होता है डायपोल। देखो अब ये कहा है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट की एप्लीकेशन बतानी है, ठीक है। देखो पाई गाई के लिए यूज़ होता है यूज टू डिटरमाइन दी पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। ये क्या बताता है कि कितना जो मॉलिक्यूल है पोलर है या नहीं, पोलर नेचर बताया गया है नॉन पोलर नेचर। अगर म्यू इज इक्वल टू तुम्हारा जीरो है, जैसे कि अभी हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, इसमें क्या था, जितना ये खींच रहा था उतना ही खींच रहा था तुम्हारा ये वाला, है ना, उतना ही खींच रहा था तुम्हारा ये वाला ऑक्सीजन, जिसके कारण जो नेट जो डायपोल है कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। और जैसे हमने वाटर में देखा था उसमें कितना आया था हमारा, उसमें क्या हो रहा था, नेट जो फोर्स है वो अपसाइड हो रहा था, नेट जो डायपोल है वो अपसाइड आ रहा था, मतलब ऑक्सीजन क्या कर रहा था, उसके जो लोन पेयर जो हैं वो क्या खींच रहे थे, इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे हाइड्रोजन के, याद आ रहा है, ठीक है, जिसके कारण कुछ डायपोल की वैल्यू आ रही थी, तो मतलब ये क्या है पोलर, ये है पोलर, समझ गए बात, ठीक। सेकेंड क्या है, इट प्रिडिक्ट्स दी ज्योमेट्री ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ये क्या बताता है भाई, ज्योमेट्री बताता है किसी भी मॉलिक्यूल की, है ना। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, ठीक है, ये इट डिटरमाइंस द आयोनिक परसेंटेज ऑफ कंपाउंड। इसकी हेल्प से हम कोई भी कंपाउंड कितना आयोनिक फॉर्म में है हम वो बता सकते हैं, ठीक है। मतलब कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बताता है तुम्हारा, ये बताता है तुम्हारा आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हो, और फॉर्मूला क्या होता है डायपोल का, क्यू इंटू आर, है ना, चलो प्रोडक्ट होता है ना किसका, चार्ज का और डिस्टेंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के बीच में, समझ गए बात। तो ये कुछ यूजेस होते हैं, ये कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, थीके? चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, समझ में तो आ गया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 हमारा। देखो अब ये क्या कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, है ना। चलो हमें क्या डिफरेंस बताना, चलो देख लेते हैं हम एक बार कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, जरा बताना अच्छे से, कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कोई भी एटम, ठीक है, जब क्या बना रहा है, कोई बॉन्ड बना रहा है, जैसे इसका एग्जांपल सबसे बड़ा कौन है, H और F, ठीक, HF, HCl, अब क्या है, देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, मतलब इसको हम अगर ऐसे शो करूँ, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, ठीक है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर को अपने साइड क्या करेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, जिसके कारण तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये जो शेयर करने की, मतलब ये जो अट्रैक्ट करने की शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल ऑफ एनी एलिमेंट और ऑफ एनी एटम, मतलब कि किसी भी एटम से उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। मतलब देखो कि क्लोरीन है और उस वो किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया फ्री, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl- में, ठीक है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। इसको ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी लगी, ठीक है, एन्थैल्पी एनर्जी होती ना, जितनी एनर्जी लगी वो क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। समझ गए बात, ठीक है। अब इससे तुम्हें एक चीज़ पता चल रहा है, ये क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी, है ना। चलो अब एक चीज़ तो तुम्हें ये पता चला, दूसरा क्या है भाई, ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये देखो, ये शेयर्ड पेयर की बात हो रही है, मतलब ये किस में होता होगा, बॉन्डेड एटम्स में ही होता होगा क्या, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड इसमें क्या होगा भाई, ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये बिना किसी से बॉन्ड हुए सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब ये किस में प्रोसीड हो सकता है, आइसोलेटेड एटम्स में। अगर एक इलेक्ट्रॉन अकेला भी प्रेजेंट है तब भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की जो प्रोसेस है वो हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए तुम्हें पहले किसी से कंबाइन होना ही पड़ेगा, और अगर उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर तुम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तभी तुम खींच पाओगे क्या किसी का इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात, चलो ठीक है। अब इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, मतलब एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक, हमें पता है ना हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं, तो ये क्या है, मेजरेबल है, ठीक है, लेकिन इट कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, ठीक है, इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, के जे पर मोल, क्योंकि ये एनर्जी है, ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, ये होती है यूनिटलेस, है ना, ये होती है यूनिटलेस, ठीक। चलो, और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी तो फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो फिक्स नहीं होती है ना, ये होते हैं कुछ पॉइंट किसके, ये होता है डिफरेंस। और अब हम एक डिफरेंस और देख सकते हैं, कौन सा डिफरेंस देख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब बढ़ती है, जब किसी का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा हो तब क्या होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे हमने फ्लोरीन का देखा था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कब बढ़ सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी मतलब कि जब क्या हो, एटम का साइज़ बढ़ते रहे, मतलब क्या होगा, जब तुम पीरियड में ऐसे जाओगे लेफ्ट टू राइट, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो कोई भी जो एटम है, ठीक है, कोई भी जो एटम है उसमें जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास एकदम अट्रैक्ट करके रखेगा, तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ज़्यादा, समझ गए, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। ऐड कराने के लिए भी तो तुम्हें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर तुम्हारा बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज,
मतलब क्या तुम्हारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, एटम एटमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है ना, समझ गए बात? चलो ठीक है, तो ठीक है, ठीक, अब आज के लिए हमारे ये वाले क्वेश्चंस हो गए, निपट गए, ठीक है, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है ये चैप्टर, ठीक है, अभी कुछ और हमारे चैप्टर्स बचे हुए हैं जो कि हम देखेंगे अपनी आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और याद रखिए कि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।